तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और चलिए आज हम बात करने वाले हैं सैड ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर स्टेनोटाइपिस्ट परीक्षा जो जिला न्यायालय जो जसपुर में हुआ था 3 सितंबर 2023 को। और ये जो पेपर है दोस्तों अपने आप में अलग है। और अभी आप मान के चलिए किसी प्रकार से सैड ग्रेड 3 या स्टेनो का लिखित परीक्षा का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ के जो है प्रथम न्यायाधीश थे तो WS असाक थे, याद रखें ना। RS गर्ग प्रथम न्यायाधीश थे परंतु ये कार्यवाहक थे, स्थायी नहीं थे। नामीबिया से लाए गए चीता को कौन से राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया था, तो दोस्तों ये कुनो नेशनल पार्क था। राष्ट्रध्वज का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है, तो ये आप लोग सब जानते होंगे, ये 3:2 होता है। IPL 2023 का विजेता टीम कौन था, तो चेन्नई सुपर किंग्स था। और उप विजेता मेरे ख्याल से गुजरात जायंट्स थे, ये इनके कप्तान थे वो क्या बोलते हैं पांड्या। सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया, तो ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था दोस्तों। छत्तीसगढ़ में हाल ही में भविष्य में कौन सा शिखर सम्मेलन होने वाला है, तो ये G20 होने वाला है। कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है दोस्तों, तो ये 26 जुलाई को मनाया जाता है। चंद्रयान 3 में भेजे गए लैंडर और रोवर का क्या नाम है, तो विक्रम और प्रज्ञान था। शिवनाथ नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो पाना बरस की पहाड़ी है इसका। आगे बढ़ते हैं। इंडिका के लेखक का नाम कौन था, तो दोस्तों ये मेगास्थनिक ने लिखा था। मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक हैं सलमान रजदी हैं। संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहते हैं, दोस्तों ये अनुच्छेद 32 को कहते हैं। दीपिका कुमारी कौन खेल से संबंधित हैं, तो ये तीरंदाजी से संबंधित हैं। भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, ये लीला सेठ थी। 15 लेते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रथम नेता प्रतिपक्ष कौन थे, तो ये नंद कुमार साय थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत का वर्तमान चुनाव आयुक्त हैं, तो ये राजीव कुमार हैं। पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था, तो अकबर और हेमू के बीच। लेमरू किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये हाथी पार्क के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। प्रथम चित्रगढ़ी फिल्म कौन सी है, तो ये दोस्तों ये कही देवे संदेश जो है इसको मान्यता प्राप्त है प्रथम छत्तीसगढ़ी फीचर फिल्म के लिए। और इसमें जो है गाना दोस्तों कहना चाहिए मोहम्मद रफ़ी ने गाया हुआ है, ये एक स्पेशल चीज़ है। कांचन गादी किस पर्व से संबंधित है, तो ये दशहरा से संबंधित है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी, तो ये झारखंड की राज्यपाल थी। बोरेबासी का त्यौहार कब मनाया जाता है, तो दोस्तों ये 1 मई को मनाया जाता है। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी कौन से जिले से अलग होकर बना है, तो ये राजनांदगांव से अलग होकर बना है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता क्या है, तो ओपन सोर्स है दोस्तों। सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है, तो ये मुंडकोपनिषद बोलते हैं। और इसके बारे में ये धारणा है कि ये जो उपनिषद है दोस्तों हमारे ये बिलासपुर के पास है मत्कुद्वीप, वहाँ लिखा गया है ऐसी मान्यता है। वहाँ पर जो है एक प्राचीन जो है अवशेष मिले हुए हैं, आप जरूर यहाँ पर विजिट करके जा सकते हैं, देख सकते हैं, द्वीप में ये बना हुआ है। 26 उबंटू लाइब्रेरी ऑफिस कैलकुलेटर में विंडो को बड़ा करने पर सेल का आंतरिक संरचना क्या होगा, ये दोस्तों अपरिवर्तित रहेगा। उबंटू लिब्रे ऑफिस राइटर में हेडिंग के लिए शॉर्टकट की हैं, ये उपरोक्त सभी है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो ये परम 8000 था दोस्तों। उबंटू लिब्रे ऑफिस कैलकुलेटर में सेल को एक स्थान से दूसरे स्थान प्रतिस्थापन करने के लिए शॉर्टकट की है, तो दोस्तों ये मेरे को भी नहीं पता कि ये क्या शॉर्टकट की है। कंप्यूटर वायरस किस प्रकार का प्रोग्राम है, तो मेलेशियस प्रोग्राम है दोस्तों। URL का फुल फॉर्म क्या है, तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और 32 है उबंटू लिब्रे ऑफिस विंडो में बाहर जाने का शॉर्टकट की है, तो एग्जिट कमांड होता है कंट्रोल की उसका शॉर्टकट है। उबंटू लिब्रे ऑफिस राइटर में पूरा लाइन को मिटाने के लिए शॉर्टकट की यूज होता है, मेरे ख्याल से शिफ्ट प्लस इंड होना चाहिए। उबंटू लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज होता है दोस्तों ये 12 होता है। उबंटू लिब्रे ऑफिस राइटर में मिनिमम और मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या होता है, तो इसके बारे में तो मेरे को भी आइडिया नहीं है, लेकिन ये निकल के आ रहा है नेट से। उबंटू लिब्रे ऑफिस में हाइपरलिंक बनाने का शॉर्टकट की है, तो इसका दोस्तों कंट्रोल के है। उबंटू लिब्रे ऑफिस कैलकुलेटर में सेल को कलर करने के लिए शॉर्टकट की है, तो ये तो मेरे को भी नहीं पता कि सेल को कलर करने के लिए क्या शॉर्टकट यूज होता है। उबंटू लिब्रे ऑफिस में फार्मूला बार को हाइड अनहाइड करने का शॉर्टकट की है, तो फार्मूला बार को हाइड अनहाइड करने का शॉर्टकट की है लिब्रे ऑफिस में, तो ये मैं खुद इसको नहीं जान पा रहा हूँ कहना चाहिए। उबंटू लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर को हाइड अनहाइड करने का शॉर्टकट की है, तो ये कंट्रोल शिफ्ट आर है दोस्तों। उबंटू लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने का जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल F12 है। 41 उबंटू लिब्रे ऑफिस राइटर डबल अंडरलाइन करने का शॉर्टकट की कंट्रोल D है। और विंडो में भी अर्थात MS वर्ड में भी ये
कंट्रोल डी ही होता है। और 42वां नंबर देखिए, प्रिंट व्यू देखने का शॉर्टकट की है लिब्रे ऑफिस राइटर में। तो दोस्तों ये है कंट्रोल शिफ्ट ओ है। उबंटू लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, तो ये ODT होता है, अर्थात डॉट ODT बोलते हैं ना। इनपुट डिवाइस है तो कीबोर्ड है। तो दोस्तों इस प्रकार से इतने क्वेश्चन, ये 45 है। ईमेल में संदेश भेजने तथा प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है, तो SMTP यूज किया जाता है। PDF का फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो दोस्तों ये 46 क्वेश्चन है जो मिला हुआ है, और इसमें आप देख सकते हैं कि 25 क्वेश्चन के आसपास दोस्तों उबंटू से पूछ दिया गया है। तो आप नेक्स्ट जब भी जो है जिला कोर्ट का लिखित परीक्षा दिला रहे हों, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि इस तरह से भी आपका जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।